तमन्ना और क्या। अरे हमीदा कहाँ हो भाई, दिल्ली से तुम्हारे अम्मा अब्बा आ रहे हैं। आए अल्लाह का शुक्र है, किसी को तो पाकिस्तान में शर्म आती। मैं आपको अब्बा कहूँ या सुसर? सुसर की, सुसर में अलिफ लगा सकता हूँ, यानी ससुरा। वो रुखसाना के साथ बोल देखने गया है। आए कहीं बोल पढ़वा कर ना आ जाए। आए मेरी अम्मा का नाम कशीदा नहीं है, रशीदा है। कतरीना कैफ से ज्यादा मुझे तो दीपिका अच्छी लगती है। मुनव्वर हम जाएंगे कहाँ ये तो बताओ। कटी पहाड़ी। पाकिस्तान में ईद मनाने का मजा ही कुछ और। उफ, तरबूज 100 रुपए किलो, बिजली हर 10 मिनट के बाद गायब, खरबूजा 60 रुपए किलो, पानी हर 5 मिनट के बाद गायब, चौसा 200 रुपए किलो, 1 किलो लो 1 मिनट के बाद गायब। अरे इन हालात में मेरी बीवी के माँ बाप चांद रात पर ईद मनाने दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, हालांकि मेरी बीवी बीमार भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आ रहे हैं। अच्छा ये जो कुछ तुम बड़बड़ा रहे थे ना, सुन लिया मैंने सब कुछ। इसीलिए जोर जोर से बुड़बुड़ा रहा था ताकि तुम सुन लो। अच्छा भाई, तरबूज भी मैं ले आऊंगी, खरबूजा भी मैं ले आऊंगी, चौसा भी लाऊंगी। अरे रोज बेहिसाब फल आ रहा है माइया, तुम तो हिसाब ही करने लगे। अरे एयरपोर्ट भी तुम ही चली जाना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इन हालात में पाकिस्तान आने की क्या जरूरत है, क्या भारत में बूढ़े जिंदा नहीं रहते? हाय खुदा का खौफ करो, अल्लाह सलामत रखे मेरे माँ बाप को खामखाई में। अरे हमारे माँ बाप तो कभी नहीं यहाँ पर आए, हमारी शादी से पहले वो मर चुके थे। अरे वो तो उनकी शराफत थी कि वो मर गए, उन्होंने सोचा कि बेटे के घर में रहने से बेहतर है मर जाओ। अल्लाह तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हो मुनव्वर, माँ बाप के इंतकाल को उनकी शराफत कह रहे हो तुम? अगर अब वो दोनों जिंदा होते तो कहाँ रहते? वालदैन जो है ना वो औलाद के दिल में रहते हैं। अरे तुम्हारे दिल में तो पेसमेकर लगा हुआ है, तुम कहाँ रखती? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ले आएंगे उन्हें एयरपोर्ट से। तुमने तो कहा था कि वो कशीदा खाला के घुटने का ऑपरेशन हुआ। अरे मेरी अम्मा का नाम कशीदा नहीं है, रशीदा है। अरे हालात की वजह से कशीदा निकल गया। हाँ वो रशीदा खाला के घुटने का ऑपरेशन हुआ था, पुरानी बात है, वो तो ठीक भी हो गई अब, मेरी बात हुई थी परसों। तुम्हारी क्या घुटने से बात हुई है जो तुम्हें पता चला है कि वो ठीक है? अच्छा अब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम एयरपोर्ट जाओगे? मैंने ताहिर से कह दिया वो चला जाएगा, हालात ठीक नहीं है। आए हाय अपनी तो बहुत फिक्र है, बेटे की फिक्र नहीं है क्या? अरे वो जवान है, भाग सकता है, मुझे कुछ हो गया तो दूसरा कहाँ से मिलेगा, पहला ही इतनी मुश्किल से मिला है तुम्हें। खैर रहने दो, हम खुद ही चले जाएंगे एयरपोर्ट, कोई जरूरत नहीं है। सलाम अब्बा। सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या बातें हो रही थी? आए बातें क्या होंगी, बस हाथ आपाई की कसर रह गई थी और क्या। तुम्हारे नाना नानी आ रहे हैं ना दिल्ली से, तुम्हारे अब्बा नाराज हो रहे हैं, मूड खराब हो रहा है इनका। क्यों अब्बा? यूं बेटा। क्या मतलब यूं बेटा? अरे तुमने कहा क्यों अब्बा, मैंने कह दिया यूं बेटा। अम्मी के अम्मा अब आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। तुमने उन्हें देखा है? नहीं। अगर तुम्हें देखकर खुशी हुई ना तो मुझे बता देना। अब्बा कल ईद है, अपना मूड अच्छा रखें। अच्छा मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अरे पेट्रोल 2 रुपए और महंगा हो गया है, हर लाल बत्ती पे रुकने की जरूरत नहीं है। अब्बा प्लीज। अम्मा आप जाएं, खाने का कुछ इंतजाम करें। हाँ हम तो पहले ही जा रहे थे, वारसी खाने में जा रहे थे हम तो। जाइए। ये तुम एयरपोर्ट जा तो रहे हो, उन्हें पहचानोगे कैसे? अम्मा ने मुझे हुलिया बता दिया। क्या हुलिया बताया? खुदा हाफिज। हुलिया बता दिया है, पता नहीं क्या बताया होगा। भाई वो हम समझे थे कि मुनव्वर हमें लेने आएंगे। मैं भी यही समझा था, मगर वो ताहिर गाड़ी लेके चला गया। वैसे मुझे रुखसाना को देखकर खुशी हुई है। हम दोनों को देखकर खुशी नहीं हुई। आप दोनों को पहले कई दफा देख चुका हूँ। उस वक्त हुई थी। बहुत पुरानी बात है, ज़हन पे खासा जोर डालना पड़ेगा। अम्मा आपको पता नहीं है ये खामखा मजाक कर रहे हैं, मुझसे कहीं ज्यादा इंतजार इन्हें था आपके आने का। सारा सामान रखवा दिया मैंने, रुखसाना का सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया। हाँ क्या मतलब? अपना सामान छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया।
लेकिन मैं छोटे कमरे में रह सकती हूँ। कज़न कज़न होती है मगर मेहमान मेहमान होता है। नाना नानी आप लोग का कमरा भी तैयार है? दोनों का इंतजाम एक कमरे में किया है? आए हैं एक ही कमरे में, बरसों बाद एक ही कमरे में रहेंगे हम दोनों, वरना हुआ दिल्ली में ये अपने कमरे में, हम अपने कमरे में। हाँ लेकिन अब्बा को तो हमेशा से अकेले रहने का शौक था, है ना? तुम्हारी पैदाइश ने परेशान कर दिया है। आई रहने भी दी मुनव्वर। अम्मा हम लोग पहले चल के खाना खा लेते हैं, बाद में आराम से बातें करेंगे, हैं? लाइए अपना पानदान मुझे दे दे। आए, आए, चले। मैं भी उठूंगा। आओ। अरे बटुआ तो उठा लो। अब्बा मुझे दे दे पानदान। लो। लाए। आओ आओ। आइए। चलो। दिल्ली से गिलोरियां बना बना के लाए हैं शायद। हाँ, यहाँ तो मिलती ही नहीं है, है ना? ओफो भाई। हाय हाय। भाई वो ताहिर मियां हमारे कमरे में टीवी है। अरे 250 इंच का प्लाज्मा आप साथ लेकर आया, 21 इंच के टीवी का क्या करेंगे? क्या 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 मतलब? नाना जान टीवी है, डीवीडी है, एयर कंडीशन है, सब कुछ है। भाई वो है वो क्या कहते हैं उसको, वो हाँ वो रिमोट। हाँ वो भी है, 160 चैनल्स देख सकते हैं आप। ए बच्चे दो दो रिमोट रख देना, हम स्टार प्लस देखते हैं ये नहीं देखते। नानी जान टीवी एक है, दो रिमोट का क्या करेंगी? भाई वो कुछ भी कर लेंगी, तुम बस रख दो। आई अम्मा मेरे कमरे में भी स्टार प्लस आता है, आप देख लिया करना। शुक्रिया स्टार प्लस, हस्बैंड माइनस। कल ईद है, हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, रुखसाना तैयार हो रही है, बस उसे लेके चलना है। तो फिर चलो। अच्छा शहर से ना मुनव्वर, हम जाएंगे कहाँ ये तो बताओ। कटी पहाड़ी। उई कटी पहाड़ी? कुछ नहीं अम्मा, वो कराची का एक इलाका है उसका नाम है कटी पहाड़ी। वहाँ क्या मिले है? छोड़े ना ताहिर, ऐसा करते हम क्लिफ्टन चलते हैं और रुखसाना को भी ले चलेंगे, चूड़ियाँ पहन लेगी, ईद की शॉपिंग कर लेगी। तुम चलोगे? भाई तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब हमारे जानने वालों में कोई मर जाता है तो हम साथ जाते हैं, तुम जाओ। अब्बा आप भी चले ना। बेटी तुम अपनी माँ को जानती हो फिर भी कह रही हो चलो। आए हाय अब्बा। अच्छा चले, मैं आपके लिए कुर्ता ले आऊंगी, गले का साइज अम्मा से पूछ लो, काफी दफा दबाया होगा। भाई बहुत अच्छी बात कही तुमने, वाह वाह वाह। अम्मा तुम खामा खाने मचल जाया करो, चले। जाओ इनको भी चूड़ियां पहना देना। चलो चलो चले। आए खामा जल्दी तैयार होके निकल आओ, हम जा रहे हैं। जाओ से निकाल के जाओ। साहब कुछ पियेंगे? भाई ये तो तुम खाने से पहले पूछते। वो चाय या कॉफी का पूछ रहा है। अच्छा मैं समझा इजाफी। तुम जाओ, हमीदा की इजाजत नहीं है, मैं तो खुद इजाफी के लिए किसी और के यहां जाता हूं। हमारे घर में और पाकिस्तान में उसे शरबत ममनुआ कहते हैं। तो चलो, अभी नहीं देर हो रही है। अब कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएंगे। कल चलेंगे ना? भाई मुनव्वर हम पाकिस्तान के हालात की वजह से बहुत परेशान हैं। आज तक समझ में नहीं आया कि ये पाकिस्तान क्यों बना। मैं आपको अब्बा कहूँ या सुसर? अब्बा मत कहना, क्योंकि कल हम साथ पियेंगे और हमारी तहजीब में औलाद बाप के साथ नहीं पीती। ये सुसर में अलिफ लगा सकता हूँ? सुसर में अलिफ यानी सुसरा? नहीं भाई, इस रिश्ते में सुसर से ज्यादा बदतमीजी का पहलू नुमाया हो रहा है। सुसर ठीक है। अरे सुसर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्यों बना। वाकई भाई कसम हिंदुस्तान की
वाकई आज तक हमारी समझ में नहीं आया। पाकिस्तान इसलिए बना कि 2011 में ईद मनाने आपको यहां आना था। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो सुसर, अब सुसर के साथ आप अच्छा नहीं लग रहा। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो सुसर तुम कहां जाते? मेरा ख्याल है सुसर के साथ तुमसे कहीं बेहतर आप लग रहा है। आप, अरे अपनी अपनी सोच है सुसर, मुझे तुम में मजा आ रहा है और तुम्हें आप में। बकौल गालिब, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया? ये मत भूलो कि तुम मेरे दामाद हो। शरबत ममनुआ की ख्वाहिश जाहिर करके आपने तो दामाद के रिश्ते के चीथड़े उड़ा दिए। चलो जो तुम कहो उसी पर इत्तेफाक कर लेंगे। अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं तो? कर। क्या मतलब है कि कर? खुद जो चाह रहा है मुझसे मनवा रहा है। मैंने कर कह दिया तो उछल पड़ा। चलो करो। मेरी समझ में अभी तक एक बात नहीं आई। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? पूरा इलाका पाकिस्तान होता, ना कश्मीर होता, ना गुजरात में फसादात होते और ना बंबई में धमाके। अच्छा मेरा कमरा बताओ किधर है? सुसर, तुम्हारी समझ में जवाब नहीं आया? भाई ये सवाल वही कर सकता है जिसने बहुत ज्यादा टिकाई हो और तुम चांद देख के शुरू हो गए होगे। इसका मतलब ये है कि वो चीज घर में मौजूद है। चलो अच्छा है, कल कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। मैं सुबह तुमसे पाकिस्तान पर बात करूंगा। ठीक है। चले ही गए। चल फिर मियां, तू भी चल। आए कल ही बात कर लेंगे। अरे भाई नहीं नहीं, बात आपकी सही है बिल्कुल। ये बताइए कि आप दुआ मांगते हुए रो रहे थे? अमा नहीं, पांव सुन हो गया था। वैसे इतना लंबा खुतबा मैंने आज तक नहीं सुना और दुआ भी भारत और अमेरिका के खिलाफ थी। हमारे मौलाना साहब दो मुल्कों के खिलाफ हैं, अमेरिका और भारत। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है यही दो मुल्क करवा रहे हैं। अब आप, भारत भी भारत की तरफ है, अमेरिका भी भारत की तरफ है। हम चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हम भी भारत की तरफ हैं। भारत में कल ईद थी, हालांकि पाकिस्तान एक दिन बाद बना है, इसलिए पाकिस्तान में ईद एक दिन पहले होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में चांद बड़ी मुश्किल से नजर आता है। साहब चांडियो साहब आए। हाँ हाँ बुलाओ उन्हें, बुलाओ। देखिए चांडियो साहब के सामने हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, ये पावर में है। अच्छा कोई बात नहीं, 10-15 दिन के बाद बोल लेंगे। अरे अगला इलेक्शन भी यही जीतेंगे। 8 साल तक आप हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर फैज ने तो कहा है कि बोल के लब आजाद है तेरे, तो वो अब इस दुनिया में रहे भी तो नहीं। अच्छा चलो फिर हम चुप हो जाते हैं। आइए 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 चांडियो साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये करीमुद्दीन साहब हैं, मेरी बेगम के अब्बा, कल ही दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए? दिल्ली से आए। ईद मुबारक है, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तशरीफ रखिए, बैठ बैठ। दिल्ली से आए हैं, काजू लाए हैं? मुझे नहीं मालूम। नहीं भाई लाए हैं, लाए। वो तो मगाना सही, दो ही तो इंडिया की चीजें पसंद हैं, एक काजोल और एक काजू। काजोल? हाँ हाँ, इंडियन एक्ट्रेस है, बड़ी नमकीन है, क्या एक्टिंग करती है। भाई मैं हिंदुस्तानी फिल्में नहीं देखता। भाई मैं तो बहुत देखता हूँ, फिल्में देख के हिंदुस्तान के हालात पता चल जाते हैं। वो किस तरह? वो ऐसे सही कि वहाँ 8 इंच कपड़े में हीरोइन का सारा ड्रेस फैल जाता है। बल्कि मेरी बात सुने, इधर देखें, ये 1 इंच बच भी जाता है। बड़ी आज़ादी है वहाँ भाई मुनव्वर,
फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की है भाई। भाई हमारे यहाँ तो हर इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की है। मसलन भाई मोटर कार की इंडस्ट्री देख ले। सही, बलात्कार के अलावा इंडिया की और कौन सी कार मशहूर है, जरा उसका नाम तो बताएं। माफ कीजिएगा, बलात्कार कोई कार नहीं है। नहीं सही, हर ड्रामे हर फिल्म में इस कार का जिक्र होता है। अरे यार सियासी बातें रहने देना, आज ईद का दिन है, कोई अच्छी अच्छी बातें करें। वैसे मुनव्वर, हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में धूम मचा दी है भाई। भाई बहुत खुश शक्ल है, बात भी अच्छी करती है, मगर कतरीना कैफ। कतरीना कैफ से ज्यादा मुझे तो दीपिका अच्छी लगती है, जरा थोड़ा सिंधी टच है उसके अंदर। मैं से जाम शोरो। मगर ड्यू चांद। अरे ड्यू चांद नहीं, चांडियो। हाय हाय चांडियो साहब, जो बात माधुरी में थी ना, हाय हाय हाय। बात सुनिए, यकीन मानिए माधुरी की वजह से हमारे घर में तलाक होते होते रह गई। वैसे क्या बात है जी, डांस में नंबर वन थी, मैं इसीलिए उसका आशिक नंबर टू हूँ। भाभी तेरा देवर दीवाना। आशिक नंबर टू? हाँ वो नंबर वन तो वो थे ना, वो बुजुर्ग आर्टिस्ट जो थे क्या? हाँ, वो MF हुसैन। हाँ, लेकिन देखो उन्होंने उसको हथनी बना दिया। अब हथनी से कोई प्यार मोहब्बत की बात कैसे कर सकता है, जब भी प्यार मोहब्बत की बात शुरू होगी सूंड बीच में आ जाएगी। अच्छा साईं चांडियो साहब एक बात बताइए कि सूरज डूबने के बाद आप क्या करते हैं? भाई साहब हम तो सूरज डूबने से पहले ही खिड़कियां बंद करते हैं, पर्दे गिरा देते हैं और समझ लेते हैं कि सूरज डूब गया, मोमबत्ती जलाकर और फिर शुरू सियासी बातचीत। देखो जी नॉर्मल हालत में हम सियासी बात करना पसंद ही नहीं करते। करीमुद्दीन साहब सियासत तो खुद एक नशा है और सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए नशा बड़ा जरूरी है। अच्छा चांदियो साहब, अगर मैं आपसे कल गैर सियासी गुफ्तगू करना चाहूँ तो कितने बजे आऊँ? आप 4 बजे आ जाएं, हम पर्दे गिरा देंगे। वाह साईं, ये आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे हाँ यार, आई एम वेटिंग फॉर द काजू। अरे भाई वो अरे हमीदा भाई, वो जो काजू हम लेके आए हैं वो चांडियो साहब के वास्ते ले आओ। साईं आप दिल्ली में क्या करते हैं? वही जो आप पाकिस्तान में करते हैं। क्या मतलब? भाई वो जैसे ही बेगम किसी से मिलने जाती हैं, हम पर्दे गिरा कर बत्ती बुझा देते हैं और मोमबत्ती जला के शुरू हो जाते हैं। ना, सही काम क्या करते हैं? अम्मा इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं, पर्दे गिराने में ही सांस फूल जाती है। सही एक बात तो बताएं, कोई डांस वगैरह देखने का शौक है आपको? जी हाँ, भरतनाट्यम और कथक के अलावा। यानी मुजरा? यहाँ यानी बेमानी लग रहा है। मुनव्वर तुम्हारे सुसर के लिए एक खुफिया पार्टी करनी पड़ेगी मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजू। थैंक यू बेटा। अरे चांडियो साहब, ये आप मेरे सुसर के लिए किस किस्म की खुफिया पार्टी रख रहे हैं? भाई उस पार्टी में हम इंसानी हुकूक और जिंदगी के बुनियादी उसूलों पर गुफ्तगू करेंगे और हुकूक के निष्पा पर भी। सबके जाओ आपके। अरे लेकिन इसके लिए खुफिया पार्टी करने की क्या जरूरत है, ये बातें तो सबके सामने भी हो सकती है। दामाद जाती तासुरात और एहसासात का इजहार सबके सामने करना बड़ी बात है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि औरतों के नज़दीक मेरे सारे तासुरात और ख्यालात हकायक से पर्दा उठाने के बजाय औरतों पर से पर्दा उठा दें। वैसे मुनव्वर एक बात है यार, अल्लाह ने तुम्हारे सुसर को बेहतरीन ज़हन दिया है, और माशाल्लाह किसी लिखने वाले ने लिखा है, दुनिया में 3 चीज़ें हमेशा निकाब पोश रहेंगी,
नंबर एक औरत, नंबर दो डाकू और नंबर तीन सच्चाई। कल रात आप सब लोग खाना हमारे घर पे खा रहे हैं, मैं अब चल रहा हूँ और काजू में लेके जा रहा हूँ। जी जी जरूर जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझको यारो माफ करना। मैं वैसे चांदू अच्छा आदमी, क्या अच्छी शाम गुजरवाई है। ओ वाह, बहुत मजा आया। वाह वाह वाह। पता है मुझे यहाँ अम्मी ने नानी के साथ सिर्फ इसलिए भेजा है कि मैं तुमसे मिल सकूं। हाँ, परसों तक तो यहाँ छुट्टियाँ हैं। मैं फ़ौरन इंडिया के वीज़े के लिए कोशिश करूँगा। चांदी सब करवा देंगे। वो इंडियन एम्बेसी में जानते हैं किसी को, फिर आकर तुम्हारे वालदेन से बात करूँगा। हमीदा खाला तो मान जाएंगी, लेकिन पता नहीं मुनव्वर खालू। अब्बा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो मेरी मोहब्बत के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं। हम दिल्ली में एक बहुत छोटे से घर में रहते हैं, जैसे मुसलमानों के घर होते हैं। अपनी तरह का घर और गाड़ियाँ समझ कर मत आना। छोटे घरों में ही तो बड़े लोग रहते हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान में सब कुछ है। अब नाना को देखो, रोज़ साइकिल पर आते जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहते। तीन पहियों की साइकिल होगी। ये तो मैं किसने कहा? कल रात चांदनी साहब की पार्टी के बाद अपना बैलेंस कायम नहीं रख सके तो दो पहियों की साइकिल पर कैसे रख सकते हैं। इसी बात पे नानी की नाना जान से रोज लड़ाई होती है। नाना खुद को गालिब समझते हैं, कहते हैं जो मजा बेखुदी में है वो खुदी में नहीं। और फिर ठुमरी गाने लगते हैं। इकबाल की खुदी से कहाँ अच्छी है गालिब की बेखुदी। तो तुम समझाओ ना उन्हें। मुझे नाना जान बहुत अच्छे लगते हैं, और जो लोग अच्छे लगते हैं उन्हें समझाया नहीं जाता। शॉपिंग कितनी बज गई तुम्हारी? थोड़ी बहुत। चलो मैं खाला को बता के आती हूँ। अम्मा सलाम अलैकुम। सब बाजार गए भैया, घर में कोई नहीं है, जाओ। चले आप तो हैं ना, आपसे ही थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये क्या खा रही हैं और क्या छुपा रही हैं? कौन सा फल ना पसंद है तुम्हें? मैं तो सिर्फ सिंघाड़ा नहीं खाता हूँ। बस सिंघाड़ा खा रही हूँ। ये सिंघाड़ा तो नहीं है। ये आप लोग हिंदुस्तान के लोगों की किसी बात को नहीं मानते। अम्मा आप तो ये आम खा रही हैं। मैं इसे सिंघाड़ा कहती हूँ, खाओगे? अभी मैंने फरमाया था कि मैं सिंघाड़ा नहीं खाता हूँ। वैसे तुम रोजाना करीमुद्दीन को कहाँ ले जाते हो, हैं? मैं असल में अम्मा करीमुद्दीन साहब जो हैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, शरीफ बंदे हैं, और अल्लाह सही फरमाता है बुढ़ला बंदा जो कहीं कहे भाई फलां जगह छोड़ आओ तो उसको छोड़ के आना बड़ी नेकी है। अब मैं जहां छोड़ के आता हूं करीमुद्दीन को तो मेरी तो बख्शिश पक्की हो गई ना। सिंघाड़ा खाओगे? ओहो अम्मा ये सिंघाड़ा नहीं है, सिंदड़ी आम है, मैंने मुनव्वर के लिए भिजवाए थे। ये आम नहीं है, सिंगाड़ा है।
वैसे मैं डरते डरते पूछ रहा हूं कि जिस चीज का शौक करीमुद्दीन को शाम के वक्त होता है, कहीं आपको वही शौक सुबह सवेरे तो नहीं होता? क्या मतलब? नहीं, आप मेरे बाग के सिंदड़ी को सिंघाड़ा बोल रही है। इस बहस को छोड़ो, ये सिंघाड़ा है या सिंदड़ी, ये बताओ कि तुम हुकूमत में हो? अम्मा जान की परवाह ना करते हुए मैं इकरार करता हूँ कि मैं हुकूमत में हूँ। सिंघाड़ा खाओगे? इतना बड़ा पीला सिंघाड़ा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आप वैसे एक बात बताएं, इंडिया में आप बाल ठाकरे ग्रुप में हैं? हम किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और तुम ये बताओ, तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया है? ला हौल विला कुव्वत, मैं आपके साथ 10 मिनट नहीं गुजार सका। पता नहीं वो गरीब करीमुद्दीन ने सारी जिंदगी कैसे गुजार दी आपके साथ है? उस गरीब को तो शाम का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। बैठ आया। ना शादी से पहले ना शादी के बाद, अरे करीमुद्दीन ने मुझसे कभी नहीं कहा तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। पिछले 3 दिनों से जब भी तुम्हारे यहां से कमरे में आते हैं, कहते हैं तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। एक मिनट अम्मा, ना ये गाना मैंने लिखा है ना इसकी धुन मैंने बनाई है, हैं? और आज के बाद मैं करीमुद्दीन को कभी अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। गजब खुदा का, आपको देख के कहता है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ला हौल विला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पागल। पाकिस्तान के हालात तो ठीक नहीं हैं, मगर तुम्हारा घर देख के यकीन नहीं आता। हुआ हिंदुस्तान में तो रिश्वत खोर भी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते। ये मुनव्वर ने आखिर इतना पैसा कमाया कहाँ से? अय अम्मा, मुनव्वर बहुत ईमानदार इंसान है। ईमानदार के चेहरे पे तो नूर बरसता है। मुनव्वर का चेहरा गौर से देखो, और ना मुनव्वर मगर एक तारीकी का आलम है। मुझसे ज्यादा और मुनव्वर का चेहरा कौन देख सकता है? अरे तुम्हारे अब्बा भी ईमानदार थे, अभी तक इनके पास साइकिल है। हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को तरक्की करने का शौक ही नहीं है, जो है बस उसी पे गुजारा कर लेते हैं। अरे हमारी किस्मत में तो अभी तक वो पलंग है जिस पे तुम पैदा हुई थी। अम्मा वो तो आपकी सलीका मंदी की निशानी है। हमारी सलीका मंदी से ज़्यादा पलंग की बेहयाई मालूम होती है। कमबख्त इतना अरसा गुजर गया, चूँ चाँ करके नहीं देता। लेकिन अब्बा तो बतला रहे थे कि वो हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं। कोई खुश नहीं है सिवाय मुसलमान फिल्मी सितारों के। अच्छा एक बात सुनो, खालदा ने रुखसाना को हमारे साथ भेजा है? हाँ, मेरी बात हुई थी खालदा से, मैंने हाँ कह दिया। अरे तुम्हें तो फौरन हाँ कहने की आदत है। मुनव्वर के वक्त भी तुमने 1 सेकंड नहीं सोचा, फौरन हाँ कर दी। ताहिर से तो पूछ लो। पूछ लिया, वो तो खालदा और अब्बास से मिलने दिल्ली जा रहा है। अरे मुनव्वर मान गए? बेटे की किसी ख्वाहिश को मुनव्वर ने कभी रद्द नहीं किया, लेकिन मैंने अभी उन्हें बताया नहीं है। खालदा के पास रुखसाना को देने के लिए कुछ नहीं है। आए अम्मा, ताहिर को कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सभी कुछ है हमाइयाँ। आए अल्लाह, हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्यों नहीं देता? बेचारे वही 6 फिट के कदमचे पे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। अम्मा यूं करें कि आप और अब्बा भी पाकिस्तान आ जाएं।
मैं तो कल आ जाऊं पर तुम्हारे अब्बा नहीं आएंगे। मैं अब्बा से बात करूंगी। तुमने गाना छोड़ दिया? अरे क्या करते अम्मा, आपके दामाद को पसंद ही नहीं है। अरे हमारे दामाद को तो तुम्हारे वालदेन भी पसंद नहीं है। ये किसने कह दिया आपसे? उसके रवैये ने। सलाम तक का तो जवाब देता नहीं है वो। वो करते हैं सलाम, आपने गौर से देखा ही नहीं। बल्कि एक रोज तो वो कह भी रहे थे कि तुम्हारी अम्मा मेरे सलाम का जवाब नहीं देती। ए ढलती जवानी में झूठ मत बोलो हमीदा, इस तरह की बातें सिर्फ बचपन में ही अच्छी लगती हैं। जितना गौर से हम मुनव्वर को देखते हैं, तुम्हारे अब्बा को भी कभी नहीं देखा। मैंने तो शादी के वक्त ही तुम्हारे अब्बा से कह दिया था, ये फैमिली जलिंदर की है और जलिंदर में महाजिर होना ऐसा है जैसे पाकिस्तान में ईमानदार होना। ये लोग उर्दू स्पीकिंग है अम्मा, इनके दादा जलंधर में कोई काम करते थे। अच्छा खैर छोड़ें, आप कोई गाना सुनाएं आज। हम सब कुछ भूल भाल गए। आए अम्मा आप तो बहुत अच्छा गाती थी। हारमोनियम है तुम्हारे पास? नहीं हारमोनियम तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हारमोनियम पे बड़े बेसुरे हो जाते हैं हम। अच्छा सुनाए ना कुछ तो सुनाए। सुन लो, शीला शीला की जवानी, व्हाट इज माय नेम व्हाट इज माय नेम, हम शीला शीला की। अरे अम्मा ये क्या हो गया आपको? आप तो खुर्शीद बेगम और कानन बाला को गाती थी। हाँ अब तो हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान आइटम गाने गाते हैं। वैसे आपका सुर भी तकरीबन खत्म हो चुका। हाँ फिर तुमने फरमाइश क्यों की थी? सुर गायब होना कोई परेशानी की बात नहीं है अम्मा, अब तो लता और आशा भी बेसुरा गाने लगी हैं। अच्छा तो फिर तुम भी सुनाओ। अच्छा चलिए मैं सुनाती हूँ। आय अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में किसी को तो शर्म आती है। तुम्हारी आवाज तो अच्छी है। वैसे एक बात है, अगर पाकिस्तान में अन्ना हजारे होते तो तुम्हारे मियाँ तो अंदर होते। अम्मा मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुनव्वर बहुत ईमानदार आदमी है, एक पैसा भी बेईमानी से नहीं कमाया उन्होंने। हाँ आई अब्बा शॉपिंग कर ली क्या? भाई मैंने तो अब्बा से बहुत कहा कि कुछ खरीद लें कुछ खरीद लें, मगर ये माने ही नहीं। गांधी गार्डन ले गए, कहने लगे अब्बा खरगोश खरीद लें, हिरन खरीद लें, रीछ खरीद लें। तुम्हें इनके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अरे हड़ताल चल रही है, सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, सिर्फ गांधी गार्डन खुला था, मैं वहां ले गया, कल चले जाएंगे। चल अच्छा हुआ ना अब्बा, इसी बहाने आपने चिड़ियाघर देख लिया, रात के खाने में पाए हैं। अरे भाई इतने चौपाए देखे हैं कि अब पाए खाने में क्या खाक मजा आएगा। पीछे पड़ गया कि बंदर खरीद लें, भाई फर्ज करो मैं बंदर खरीद लेता तो इंडिया कैसे लेकर जाता। आओ आओ हाय हाय एहतियात से, इनको भी साथ ही लेते जाइए ना। आई अम्मा संभलना, लपक झपक चली जा रही है अम्मा तो। आई मुनव्वर आपने भी हद की, अब्बा को तुम गांधी गार्डन ही ले रहे। अरे पूरा हिंदुस्तान गांधी गार्डन है, सारे रास्ते मेरे कान खा गए कि हिंदुस्तान एक बाग है जिसे गांधी ने लगाया था, हिंदुस्तान एक बाग है जिसे गांधी ने लगाया था। तो मैं क्या करता, मैं गांधी गार्डन ले गया। सब समझ रही हूँ तुम्हारा प्लान क्या था, उन्हें वहां छोड़ के आने को थे तुम। हाँ तो
तुम भी अपनी सी ये कहो खामा खा के लिए। अरे भाई तो मैं क्या करता फिर? जान के ले गए थे, तुम छोड़ने के प्रोग्राम में थे वहां उनको। सुसर मियां क्या सोच रहे हैं? हाय 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 हाय, दिल्ली से ज्यादा मुझे चांडियो याद आ रहा है। आई अब्बा मियां, जब से आप आए हैं तब से तकरीबन हर शाम आपने चांडियो साहब के यहाँ गुजारी है। अब खबर नहीं क्यों नहीं आए तीन चार रोज से वो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। भाई बहुत अच्छा आदमी है, उससे मिलकर लुत्फ आ जाता है। हुकूमत में है मगर हिंदुस्तानियों से दोस्ती करना चाहता है। शायद मैं और वो मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक कर लें। नाजायज। अरे वहाँ आपको बातचीत का मौका ही कहाँ मिलता है? छह गिलास आपने उनके गिलास से टकरा के तोड़ दिए। देखो देखो देखो, दामाद को सुसर से इस तरह नहीं बोलना चाहिए। गिलास टूटना तो अच्छा शगुन है। मैं भी सोच रही थी चांडियो नहीं आया। आए अब्बा मियां, मैं सोच रही हूँ आप और अम्मा भी पाकिस्तान आ जाए। अच्छा, हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ आके महाजिर बन जाए? ना 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 बेटी, ये नहीं हो सकता। अरे तो वहाँ आप क्या हैं? मुस्लिम। हाँ पर चांडियो क्यों नहीं आया? हाँ? अम्मा दादू चले गए होंगे। फायदा बताइए, आप कह रहे थे ना कि मुस्लिम। मियाँ साइकिल पे बैठे निजामुद्दीन को सलाम किया, फिर मस्जिद के पीछे से नन्हे की नहाई खाई, तमीजुद्दीन खां से खीर ली, साइकिल पे बैठे घर आ गए। अरे अम्मा आप भी जाती थी? पहले पहल बिठाल के ले जाया करते थे साइकिल पर, और फिर इन्होंने हमें गिराना शुरू कर दिया। ये घुटने का जो दर्द है ना आज, ये भी उसी वजह से हुआ था। नहीं नहीं भाई, वो असल में टायर से फूंक निकल गई, तुम गिर गई। यकीन मानो हमने कभी तुम्हें जान के नहीं गिराया। अरे पुरानी बातें छोड़ें अब आप लोग। हाँ मुनव्वर, वो खालिदा और अब्बास ये चाह रहे थे कि ताहिर और रुखसाना की शादी कर दी जाए। ये डिजाइन कब पेश हुआ? हमने आपको नहीं बताया था? भाई रुखसाना मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। हाँ पर चांडियो कहाँ है? आइए आइए चांडियो साहब। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आइए तशरीफ रखिए। सलाम अलैकुम। आदाब अर्ज है। अमर तुम कहाँ गायब हो गए थे? ओ साईं, तबीयत जरा ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बताया है, कहा है सिर्फ ऑफिस में बैठो। ऑफिस में और कंप्लीट रेस्ट? हुकूमत में है ना, दफ्तर में धेले का काम नहीं करते होंगे, इसीलिए डॉक्टर ने कह दिया ना। घर में तो सिंधी देवदास बन के पड़ जाते हैं। भाई सुनो, हम लोग परसों वापस जा रहे हैं। कमाल है, ओए दो तीन महीने तो ठहरते। भाई वीजा ही 15 दिन का मिला ना। वो मैं ताहिर का पासपोर्ट ले आया हूँ, दिल्ली का वीजा लग गया है। ताहिर दिल्ली जा रहा है? अपने सास सहरे से मिलने। सवाए मेरे ताहिर के रिश्ते की बात सबको मालूम है। भाई मुझे भी अभी मालूम हुई है। अरे भाई हैं कहाँ साहबजादे? वो रुखसाना के साथ बोल देखने गया है। अरे कहीं बोल पढ़वा कर ना आ जाए। वाह माशाल्लाह। करीम साहब, वो मेरा एक रिश्तेदार था फौज में मेजर, उसको हुकूमत ने तमगाए जुर्रत दिया था। वही तमगाए जुर्रत मैं आज आपकी छाती पे सजाना चाहता हूँ। मगर क्यों? इसलिए कि इसने दूसरी शादी नहीं की। भाई सुनो, हमने तो आपको अपने घरेलू हालात नहीं बताए। मैं और रशीदा तो बहुत खुश हैं। करीमुद्दीन साहब,
कुछ दिन पहले मैं आया था आपके घर। आपकी जो बेगम है ये मेरे भेजे हुए सिदड़ी आम खा रही थी, लेकिन इन्होंने माना नहीं, कहने लगी मैं तो सिंगाड़े खा रही। अय अम्मा, आपने बताया ही नहीं। 10 मिनट 10 दिन की तरह गुजरे हैं, पर फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से भागा। भाई नशीदा ने कोई गलत बात तो नहीं की? नहीं, बस बंबई की तरह आप पे 4-5 धमाके किए, मुझे कुछ नहीं कहा। हमने कुछ नहीं कहा, आमों को सिंगाड़े कह रहे थे क्योंकि हमने इनसे पहले ही पूछ लिया था कि इन्हें कौन सा फल ना पसंद है। मैंने कहा सिंगाड़ा। फिर मैंने बड़े अरमान से पूछा, अम्मा आप क्या खा रही हैं? हमने कहा सिंगाड़े, ताकि ये भी आम ना खाने लगे, कुल 2 थे ना। भाई मैं जो आपके घर चला जाता हूँ उस पर भी एतराज किया होगा। अरे करीमुद्दीन साहब, एतराज तो बड़ा ही नफीस और शरीफ सा लफ्ज है, कोई भी कर सकता है। इन्होंने तो आपकी और मेरी दोस्ती पर दस्ती बम फेंक दिया। आप नहीं थे, बच गए, मैं मौजूद था, मैं फट गया। अम्मा बहुत अच्छी हैं भाई। भाभी अल्लाह पैदा तो सब कोई बहुत अच्छा करता है, मैं तो अभी की लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। हमने सिर्फ करीमुद्दीन की बुराई की थी, तुम्हारे घर चले जाते हैं रोजाना, वापस आते हैं तो हमें देख के गाना गाते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। हाँ, और जब तक हम मुस्कुराते हैं ये औंधे गिर के सो जाते हैं। भाई क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफी मांगते। आइलत में खुश रखे, तुमने ताहिर का वीजा लगवा दिया। जी अल्लाह आपको भी सलामत रखे। क्यों ना रखे? अरे अम्मा ये बंगाली में नहीं कह रहे सलामत रखे, ये आपको कह रहे सलामत रखे। वालेकुम सलाम। भाई कल हम रुखसाना के लिए अंगूठी खरीदने जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है रुखसाना, बैठो। ए हमीदा, मैं कह रही थी तुमसे कि ये मानने का नहीं है। अब्बा तुम चुप रहो। भाई मुनव्वर ठीक कह रहा है, खालदा और अब्बास के हालात ठीक नहीं है, मगर हिंदुस्तान के हालात ठीक है। मुनव्वर और हमीदा के हालात ठीक है, मगर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। भाई मुनव्वर को ऐसी लड़की चाहिए जो किसी इसी तरह के घर में रहती हो। मुनव्वर सही, तुम क्या मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर हो आए हो? अरे नहीं चांडियो, ये बात नहीं है। आए फिर क्या बात है मुनव्वर? तुम रुखसाना के लिए अंगूठी नहीं खरीद सकती। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं ताहिर के साथ जाकर पहले ही खरीद चुका हूँ। भाई वाह भाई वाह, ये होती है खानदानी लोगों वाली बात है। रुखसाना तो है मुसलमान, अगर होती इंडियन तो इस वक्त भाग के ये ताहिर से लिपट जाती।